नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों अभी हम जबलपुर में और आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं जबलपुर टू मैहर का टूर। तो दोस्तों आपको ए टू जेड जानकारी देंगे कि किस प्रकार से कहाँ कैसे जाएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं जबलपुर स्टेशन के तरफ। आपको दिखाते हैं, ये देखिए इधर जबलपुर स्टेशन पहुंच गए हैं। ये दोनों दोस्त हैं हमारे साथ। ये देखिए स्टेशन जबलपुर का। तो अभी चलेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन लगी हुई है। अभी आपको अंदर पहुंच के बताते हैं कौन से ट्रेन से हम जाने वाले हैं। बैग में देखिए जबलपुर स्टेशन, ये देखिए जबलपुर ट्रेन स्टेशन। ये है, अभी हम चलेंगे स्वचलित वाली सीढ़ी से। यहाँ फिर आपको दिखाते हैं गोरखपुर को जाने वाली। ये देखिए दोस्तों इधर से हम चल दिए हैं। अभी आपको बताते हैं कि हम किस ट्रेन से जा रहे हैं। अभी वहाँ पहुँच के काफी अच्छा बन गया है देखिए। और रात के टाइम हो चुका है 1 बज गए हैं और हमारी ट्रेन है 1:10। बट अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ और 5 से हमारा ट्रेन मिलेगा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ और हम जाने वाले हैं मैहर, और वो भी गोरखपुर लोकमान तिलक टर्मिनल से। और वो गाड़ी आने ही वाली है, जस्ट करीबन 1 बज गए हैं। 1:10 में हमें गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी और 3 से 3:30 बजे तक हमें मैहर आसानी से पहुँचा देगा। तो अभी देखते हैं कितना लेट होता है। अभी ट्रेन लेट नहीं बता रहा, फिक्स टाइम है। ये देखिए हमारे ये सब साथ में जा रहे हैं, चलते जाए। वेट करते करते आधे घंटे निकल गए लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं है। थोड़ी ट्रेन आधे घंटे लेट चल रहा है। तो अब टाइम हो गए 1:25, आपको अभी दिखना रहा होगा, दिखा 1:26 हो गए। अब ट्रेन आने का संकेत हो रहा कि ट्रेन आ रहा है। अब देखते हैं सीट वगैरह मिलते हैं या नहीं। ये देखो अभी से नींद में पड़ गए। दोस्तों हमारा ट्रेन आ गया है, ये देखिए। अब आ जाए तो फिर चलते हैं, हमें स्थान मिलता है या नहीं। आज हम जनरल से करने वाले हैं सफर और जनरल का मजा दिखाएंगे किस प्रकार से है, मजा आता है या नहीं। जनरल देखिए बॉटल भी खरीद लिए हैं। आगे है। ये देखो भीड़ नहर को। तो दोस्तों देखिए ये हाल है, ये जनरल बोंगी में ये लोग मालूम है कमकुरी करने के लिए तैयार है। ऐसे खड़े हैं हम सबको, ये मजा होता है। आपको अभी दिखाएंगे पूरा। अगर हम जा भी सकते थे स्लीपर, लेकिन ये जनरल का आप हाल देखो, ये देखो खतरनाक। तो आधा तक जा रहा है, स्थिति खराब। मुसबा दिखा दिया, खड़े खड़े जा रहे हैं, परेशान हो गए। देखो आप लोग ना फंसना, यहाँ खड़े होते भी नहीं बन रहा है। तो ये हाल है, अभी 2 घंटे हो गए लगातार ऐसे ही बैठे बैठे। अभी ये देखो अभी तो भैया लोग इधर भी बैठे हैं और भैया लोग तो 300-400 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। अधिक हो गया लगता है। ये देखिए 1400-1500 किलोमीटर दूर से सफर करके आए हैं ऐसे स्थिति में। ये देखो इंडिया का जुगाड़। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मैहर और देखिए ये पीछे साइड प्लेटफॉर्म। अब चलते हैं बाहर, इसके बाद आपको दिखाएंगे। ट्रेन में तो काफी ज्यादा भीड़ है, देख लीजिए आप लोग भी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा। तो चलते हैं अभी बाहर, मोबाइल वोबाइल चार्जिंग में लगाएंगे, इसके बाद थोड़ी मोबाइल चार्ज करेंगे, इसके बाद निकलते हैं। अब दोस्तों इस ट्रेन को करते हैं बाय बाय। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देखिए बाय बाय, खतरनाक वाला भीड़ है।
हम लोग इसी डिब्बे में बैठ के आए हैं, यही वाला था सर। ये डिब्बे में बैठ के आए हो? इसी वाले, वो जो कोहिनूर लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैहर का रेलवे स्टेशन है। गाड़ी अभी जा रही है, आवाज ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन ये प्रतीक्षालय रूम है और ये चाय वाय मिलता है यहाँ, आप चाय वाय पी सकते हैं। ये देखिए, और छोटा ही स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन है नहीं ये, लेकिन जो भी है तो सही है, अच्छा है। ये देखिए बाहर जाने का रास्ता इधर से है, अभी आपको एग्जिट दिखाते हैं कहाँ से है। इधर देखिए दोस्तों बाहर जाने का रास्ता, और ये है वो, अपन चलेंगे अभी इधर से बाहर। देखिए ये प्रतीक्षालय है, यहाँ लोग, ये देखिए दोस्तों मैहर स्टेशन, ज़्यादा बड़ा स्टेशन है नहीं, ठीक ठाक स्टेशन है। और सामने जो दिख रहा है ये टिकट घर है मैहर का, और यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे, और इधर है मंदिर जाने के लिए रास्ता। तो दोस्तों देखिए ये अब स्टेशन के बाहर का नज़ारा है कुछ, और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तैसे ही मिल जाएंगे आपको छोटे छोटे होटल, यहीं से आप खाना पीना खा लीजिए। अगर आपको रुकना है तो डायरेक्ट आप ये होटल है आपका अपना स्टेशन के जस्ट सामने, यहीं पे आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। वहाँ का चार्जेस हम नहीं पता कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं रुकने वाले हैं, सुबह 6 बजे पहुँचे। और यहाँ है खाना पीना की व्यवस्था, अगर आपको जय माँ सादा भोजनालय है यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं, और बहुत से भोजनालय हैं जो को आपको मिल जाएंगे। और ऑटो, एक और सूचना कि यहाँ जैसे ही आएंगे तो आपको ऑटो वाले मिलेंगे 10-10 रुपये में ले जाने के लिए, वहाँ आपको रोकेंगे, लेकिन उनसे एक सतर्क करके रहिएगा क्योंकि 10 रुपये में ले जाएंगे लेकिन आपको वहाँ ले जाने के बाद भी फंसा देते हैं जाम में, तो आप इससे सतर्क रहिए। आप बाहर से रहें, आराम से सतर्क से जाएं, उनसे पता कर लें कि कितना चार्जेस है पूरा पूछ लें, नहीं तो अगर आपको होटल में रुकना है तो पीछे बैक की साइड में होटल है तो वहीं से आप स्टे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं एंड, आपको समझ में पूरा आ गया होगा यहाँ के बारे में कैसे आप पहुँच सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट, कि अब स्टेशन से और मंदिर तक का सफ़र ये अगला वीडियो में आएगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बैठ।